हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में रायपुर रोड की एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। अभी मैं आपको रोड की कनेक्टिविटी बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ 70 लाख रुपए में गेटेड सोसाइटी के अंदर में आपको 3 BHK फ्लैट मिल रहा है, जिसमें 1200 से 1300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है और मेन रोड की प्रॉपर्टी है, मेन चौक की प्रॉपर्टी है। और आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त 6 फ्लोर पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो साल के पेड़ है वो मेरे से छोटे हो गए हैं। हेलो बच्चे, हो कैसे हो? तो चलिए, अभी मैं आपको यहाँ की लोकेशन और प्रॉपर्टी की वीडियो दिखा रहा हूँ। प्राइस मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर 70 लाख रुपये में है और इसमें भी डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट क्या है मैं आगे आपको कंटिन्यू वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अनूप पाठक हमेशा इस चैनल पर रीजनेबल प्राइस की प्रॉपर्टी लाता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप विजिट करने के लिए सबसे पहले आएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, तो 6 फ्लोर पे खड़ा हूँ। कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ से, कोई नहीं। ये देखिए, ये जो रोड है ये इस तरफ में चली जाएगी थानों के लिए, रायपुर के लिए, स्पोर्ट्स कॉलेज और मालदेवता। ये इसका ग्राउंड फ्लोर का वो है एंट्री पार्किंग। यहाँ पर पर्सनल पार्किंग है सबकी। नीचे ये है इसका मेन गेट और ये आ गया इसका मेन चौक, ठीक है जी, जहाँ पे अपना फ्लैट है। ये देखिए, यहाँ से हर जगह के लिए रास्ता जाता है। सुरकंडा देवी, ऋषिकेश, एयरपोर्ट सहदारा और उधर रायपुर चले गए, स्पोर्ट्स कॉलेज चले गए, थानू चले गए, इधर पे हरिद्वार रोड की तरफ चले गए जो बाईपास बना हुआ है, जिससे आप दिल्ली निकल सकते हैं या सिटी से बाहर जा सकते हैं। और ये रहने वाले हैं फ्लैट, काफ़ी हाइट है फ्लैटों की, ठीक है जी। और ये रहने वाला है इस फ्लैट का नाम लवाई अपार्टमेंट्स। और इस वक्त हम लोग हैं जिस चौक, ये जो चौक है इधर से हम तपोवन की तरफ में भी जाते हैं, देहरादून की तरफ में भी जाते हैं। और ये वाला जो रोड आ रहा है, ये रोड जाता है सीधा रिंग रोड पे, सीधा रिंग रोड जिधर पे हरिद्वार बाईपास है और क्या निकलता है उधर, मौकमपुर वगैरह के लिए निकल जाता है ना, वो वाला रास्ता है ये। और जो हमारा सिक्योरिटी मेन ऑफिस है वो यहाँ पर है, प्रॉपर्टी का गेट ये लगा है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है। तो चलिए प्रॉपर्टी को करते हैं अंदर से विजिट। तो इस वक्त मैं इस फ्लैट की बालकनी में हूँ, ये इसका बालकनी का एरिया है, ये दोनों रूम्स की कॉमन बालकनी रहने वाली है। यहाँ से आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू मिलने वाला है, पूरे साल के पेड़ मिलने वाले हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। भाई ये आ गया मैं रूम में, ये देखिए ये रूम आ गया, इसी में अटैच वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है। और नेचुरल लाइट है इस वक्त मॉर्निंग का, ये हो रखा है टाइम भाई, एक मिनट, ये हो रखा है टाइम 10:55, तो काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इसमें गीजर लगा हुआ है, एक सिंक है, वॉश बेसिन है और इधर पे वेंटिलेशन के लिए शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और इस तरफ में आएंगे, यहाँ पर भी आपको ये जो एंट्री है वो यहाँ से रहने वाली है, MCV यहीं लगी है, एंट्री है। और ये साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया है, ये सर्वेंट रूम भी बोल सकते हैं या सामान रखने के लिए स्टोर रूम हो गया। ये आ गया अपना हॉल, ऊपर फैन के साथ में आपको लाइट्स मिल जाएगी, काफ़ी देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पेसेस है। अच्छा, ये जो वॉशरूम, ये जो डोर है ये वॉशरूम का ही रहने वाला है, जो रूम से अटैच था वॉशरूम उसका ही रहने वाला है। और सामने आ गया यहाँ किचन, किचन में आपको डबल साइड स्लैब मिलेगी, मॉड्यूलर, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, इसमें लगी हुई है चिमनी। काफ़ी टाइम से फ्लैट बंद है, कोई आता जाता नहीं है, तो इस वजह से धूल लकड़ हो रखी है, सफाई हो सकती है। किचन के पास की बालकनी के पीछे है पूरा फॉरेस्ट, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, पूरा जंगल का व्यू रहने वाला है और उसी के बीच में से रोड जा रही है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा, जिसको बोलते हैं, हवा पानी मिलती है और शाम को आप देखेंगे चिड़िया वगैरह भी मिलती है। काफ़ी हाइट पे हो आप तो ऐसी चीज़ बहुत कम मिलती है यार, जिसके पीछे जंगल लगाओ, सोसाइटी बन रखी हो और मेन रोड पर हो, ठीक है जी। यहाँ पर ये आगे आपका एक RO लगा है, वहीं पे गीजर लगा है, पूरे दोनों साइड में कबर्ड्स लगे हैं, पूरा स्टोर होगा यहाँ पर माल आपका। इस साइड में आ जाए, ये आ गया एक और रूम। तो खैर, मुझे पता है आपको बालकनी में जाके वो देखना है, वो वाला जंगल वाला व्यू देखना है फिर से, उससे पहले आपको रूम दिखा दूँ। तो ये रहने वाला है रूम, अपना आराम से डबल बेड लगा के आप और इधर पे TV लगा के इंजॉय कर सकते हैं इस साइड से। ये देखें, ये रहने वाला है गीजर, अटैच वॉशरूम में आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब लगा है। तो खैर, मैं भी नहीं रुका, जा रहा था, हाँ इधर से खुला है। चलो जी, ये आ गए हम फिर से बालकनी में आके। भाई ये देखो, आय हाय हाय हाय,
इसको बोलते हैं ना खूबसूरती देहरादून की, मतलब आप ये लगा के चलो कि इतने सारे पेड़ लगे हैं साल के, तो इनसे जो एयर आने वाली, जो फ्रेश एयर आने वाली, जो ऑक्सीजन लेवल रहने वाला है इस एरिए का, वो कितना खूबसूरत रहेगा आपको। ये ना ये वाला जो फेसिंग है ना, ये वाला वेस्ट का है, तो अभी जो ईस्ट साइड से जो मॉर्निंग में 10:30 बजे करीब आपने देखा धूप, अब वेस्ट साइड में जब जाएगा ना तो यहाँ पर पूरे रूम के अंदर ये सनलाइट रहेगी, पूरे रूम में यहाँ तक ये सनलाइट आएगी। तो दो साइड बालकनी है इसमें, टू साइड फेसिंग का फ्लैट है ये। इस साइड में ये देखे कबर्ड्स लगे हुए हैं, ये देखे कबर्ड्स लगे हुए हैं, और ये आ गया इसका तीसरा रूम। तो ये आ गया भैया इसका तीसरा रूम, तीसरे रूम में बालकनी, जिसमें बालकनी में सबसे पहले खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा था वही वाली बालकनी है। बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, ये देखो आप पूरे रूम में सनलाइट आ रखी है इस टाइम पे। और ये आगे इसकी एक कबर्ड, ये आगे कबर्ड, और इस साइड में वॉशरूम है। तो हर रूम में आपको वॉशरूम मिल रहा है अटैच, बालकनी मिली है वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए। आप देखें तो कितना खूबसूरत एरिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, सो गाइस ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है मेन रोड के पास में, डबल साइड बालकनी लगी है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। कनेक्टिविटी यहाँ से आप पूरे शहर में कहीं भी चले जाए, कनेक्टिविटी हर जगह की है। और एयरपोर्ट भी यहाँ से पास रहने वाला है, क्लॉक टावर के पास जिनको चाहिए वो भी पास रहने वाला है। देहरादून का हर एक कोना कोना यहाँ से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, वेंटिलेशन भी बहुत खूबसूरत है। 70 लाख रुपए की डिमांड है, क्या होते हैं 70 लाख रुपए इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में लेने के लिए। जो लोग सेकंड होम का भी सोच के चलते हैं ना, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, रेंट पे चला सकते हैं इसको, एयरबीएनबी के जैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्रीशियस ऑप्शन आपके लिए लेके आया हूँ मैं, तो प्लीज़ इसको साइट विजिट करें, कॉल करें मुझे, साइट विजिट करें। एंड Thanks for watching. See you in the next video.